यत्पदं वेद संवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियःपतिं मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्च स्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनो वाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यञ्च हरिं स्मरेत्। धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्। आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणः क्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। श्रीमत्सुधाद्भुतां बोधिविक्रीडनविचक्षणान् वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरून् भजे। सत्यनाथाब्धिसम्भूतः सद्गोगणविजृम्भितः सत्याभिनवतीर्थेन्दुः सन्तापान् हन्तु सन्ततम्। विष्णोः पदश्रिद्गोव्रातैः स्वान्तध्वान्तनिवारकः श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतां नो हृदम्बरे। सत्यवीरालबालोत्थः विदुषां चिन्तितप्रदः सत्यधीराख्यकल्पद्रुः कल्पयेत्कामधुं मम। आसेतो रातुषाराद्रेर्यो दिशोजितवान्मुहुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरपि पूजितः। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् तेन राः पशवो लोके किं तेषां जीवने फलम्। येर्न लब्धा हरेर्दीक्षा नार्चितो वा जनार्दनः। दीक्षा के विषय में आप सुन रहे हैं। अंतर्दीक्षा और बहिर्दीक्षा दीक्षा के बारे में शास्त्र में कहते हैं। बहुत दीक्षाएं हैं, उनमें से एक दीक्षा बहिर्दीक्षा में भी एक दीक्षा है, मुद्रा धारण। अधृत्वा विधिवत् चक्रम यदि कर्म समाचरेत् निष्फलं तद्भवेत् सर्वं इष्टापूर्तं द्विजोत्तमाः। वशिष्ठ स्मृति में महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा है, तप्त मुद्रांकन तप्त मुद्राधारण अत्यंत आवश्यक है। मुद्राधारण का उद्देश्य क्या है, क्यों करना है, क्या इसके पीछे अनुसंधान है? मुद्राधारण के पीछे अनुसंधान यह है कि यह जो देह है, यह देह भगवान के लिए समर्पित है। इस अनुसंधान के लिए मुद्रा धारण होता है। हमारी मुद्रा को हम अंकित करते हैं, यह चीज़ हमारी है, इसको दिखाने के लिए। घर पर
हमारी मुद्रा रहेगी, एक कागज पर मुद्रा रहेगी, किताब पर मुद्रा, स्टैम्प, सील। क्यों? उस स्टैम्प लगाने से हमारी मुद्रा को उधर अंकन करने से क्या दिखाते हैं, यह किताब हमारे हैं, घर हमारा है, इसको दिखाने के लिए एक चिन्ह रहता है। इसी तरह वस्तुतः घर हमारा नहीं, देह भी हमारा नहीं, सब कुछ भगवान का है। इसको सिर्फ प्रवचन सुनते समय में या पूजा करने के समय में हमें स्मरण में आना नहीं, सिर्फ कभी भी अगर हम देह के पास देखेंगे तो हमें इस बात का ध्यान मन में आना है कि यह देह भगवान का है, भगवान ने हमें दिया है, भगवान अनुग्रह करके हमारे लिए इस देह को देकर बहुत बड़ा उपकार भगवान ने किया है, इसका अनुसंधान हमें सर्वदा चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, पूजा पाठ करने के वक्त किताब जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें याद में आता है, लेकिन उस समय नहीं, सिर्फ देह को देखने से भी हाँ यह देह भगवान का है। मुद्रा को देखेंगे, मुद्रा किसकी मुद्रा है, भगवान की मुद्राएं हैं, शंख भगवान का आयुध, सुदर्शन चक्र भगवान का श्रेष्ठ आयुध, गदा, पद्म और नारायण मुद्रा, ओम नमो नारायणाय, नाम मुद्रा, साक्षात श्रीमन नारायण का श्रेष्ठ नाम, नाम मंत्र बोलते हैं, परम पवित्र मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं, अष्टाक्षर मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है, रहस्य मंत्र है, सभी वेदों का सार, इतिहासों का, पुराणों का सार इस अष्टाक्षर नारायण मंत्र में गर्भित है। इतना श्रेष्ठ मंत्र है नारायण मंत्र। उस नारायण मंत्र की एक मुद्रा होती है, इसे पांच मुद्राएं हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, नारायण, अथवा चक्र, शंख, गदा, पद्म, नारायण। इन पांच मुद्राओं से अगर हम देह को हर दिन गोपी चंदन से लेपन करेंगे तो बार बार जब हमारे देह को देखेंगे, उसके ऊपर मुद्राएं रहते हैं, रहती हैं, तो मुद्राओं को देखने से ओ भगवान की मुद्राएं हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, नारायण, तो यह देह भगवान का हो गया, मेरा नहीं। मुद्रा डालने से भगवान का हुआ नहीं, वो भगवान का है ही। उसको याद करने के लिए मुद्रा को हमें धारण करना है। कन्नड़ में एक गाना है, तनु निन्नदो जीवन निन्नदो, यह देह तुम्हारा है, जीवन भी तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। क्यों?
सिर्फ यह भावना नहीं, अंधश्रद्धा कभी भी नहीं, यह सच है। सच्चाई में यह देह भगवान का है, मेरा भी नहीं, माँ बाप का भी नहीं। अवश्य माँ बापों ने इस देह की सृष्टि की है, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है कैसे इस देह का निर्माण करना है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। बहुत लोग इधर बैठे हैं, माँ बाप हैं, तो आप स्वयं इधर उपस्थित हैं, कहो मैंने मेरे लड़के को देह का निर्माण करके दिया है, धैर्य से कहो। अगर आप कहेंगे तो हम पूछते हैं कैसे, कितने अस्थियां हैं देह में, अस्थि मांस नर्व्स कितने हैं, जुड़ा दिया कैसे आपने इन सभी नर्वस सिस्टम जो है कैसे जुड़ा दिया, क्या तरीका है बताओ। एक विज्ञानी ने कहा, इस देह में रहने वालों सभी नर्व्स को अगर हम जुड़ा देंगे एक से एक को, तो सारे भूमि को 3 बार हम उसको राउंड कर सकते हैं। सिर्फ एक आदमी के देह में रहने वाले जो नाडियां हैं उनको जुड़ाने से 3 बार भूमि पर हम इसी नाडियों से राउंड करके ले आ सकते हैं। इतनी नाडियां हैं एक एक पुरुष या स्त्री के देह में, क्या इसके बारे में जानकारी है? अगर जानकारी ही नहीं तो करने के लिए शक्ति है बेचारे माँ बापों को? इनोसेंट हैं, शादी करते हैं, सुख से रहते हैं और बच्चों के ऊपर प्रेम करते हैं, खिलाते हैं, लेकिन देह का निर्माण कैसे करना है इसके बारे में जानकारी कभी भी नहीं। तो कैसे देह का निर्माण हुआ, तो करने वाला कोई और ही है, वही साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण है। इसीलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भावना परवश होकर हमारे पूर्वजों ने भगवान को माता और पिता कहा नहीं, आलोचना पूर्वक बहुत कुछ सोच कर इस निर्णय को हमारे सामने रखे हैं प्राचीन ऋषि मुनि ज्ञानी। तो किसका हुआ यह देह? मैं इस देह में रहने वाला हूँ, देह मेरा नहीं। जैसे हम इस विष्णुपद भगवान के मंदिर में बैठे हैं, मंदिर हमारा नहीं।
मंदिर में बैठते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, अनुग्रह पाते हैं, जाते हैं, मंदिर हमारा नहीं हो सकता है। हजारों लोग, करोड़ों लोग आते हैं, जाते हैं, न किसी का है, यह भगवान का है। सिर्फ विष्णुपद मंदिर भगवान का नहीं, सारा दुनिया भगवान की है। सिर्फ दुनिया नहीं, यह देह भगवान का है। सब कुछ यच्च किंचित जगत सर्वम, जो कुछ दिखता है सब कुछ भगवान का ही है। यह बहुत बड़ा तत्व है, यही तत्व का रहस्य है, यही यह अनुसंधान ही साधना का रहस्य है। इसलिए हमें अवश्य इसका अनुसंधान सभी वक्त करने के लिए प्रयास करना है। आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन प्रयत्न तो करना है। इसके लिए यह एक उपाय है, तप्त मुद्रा धारण। मुद्रा धारण करने से, मुद्रा को देखने से भगवान की याद आ जाती है। इसलिए विशेष रूप से जब कुल गुरु आते हैं, उनके हाथों से तप्त मुद्रा धारण, हर दिन शीतल मुद्रा धारण होता है, तप्त मुद्रा धारण। तप्त मुद्रा धारण में दो उद्देश्य हैं, एक है भगवान का स्मरण और दूसरा उद्देश्य है पाप परिहार के लिए प्रायश्चित। अगर हम कुछ अपराध करेंगे तो क्या करते हैं, किसी एक लोखंड की वस्तु लेकर गर्म करके हमारे ऊपर रखते हैं, उससे हमें दुख होता है, दुख हुआ तो वह प्रायश्चित बन जाता है। हम तो बहुत पाप करते हैं, जैसा एकादशी उपवास एक प्रायश्चित है। कल बहुत लोगों ने, शायद सभी आप एकादशी का उपवास करके विष्णु भगवान को समर्पित किए, ऐसे ही तप्त मुद्रा धारण भी एक प्रायश्चित है, जिससे दुख होता है, कष्ट होता है, वही तपस्या होती है। काय क्लेश कर्म तपः, जिससे हमारे देह को क्लेश होता है, कष्ट होता है, गर्मी से, सर्दी से, किसी से अगर कष्ट होता है उसको तपस्या बोलते हैं। काय क्लेश कर्म तपः, इसीलिए ऋषियों ने, मुनियों ने वन में बहुत कष्ट उठाकर तपस्या करते थे। उतना करने के लिए तो हमें शक्ति नहीं है, लेकिन यह अत्यंत सुलभ है, लेकिन छोटी तपस्या है। तप्त मुद्रा धारण करने से पापों का परिहार होता है, गायत्री जप करने से भी पापों का परिहार है। पाप करने के लिए हमें हजारों मार्ग हैं, लेकिन परिहार के लिए उतना प्रयत्न हम नहीं करते हैं। फिर भी अत्यंत श्रेष्ठ प्रायश्चित करने से सभी पापों का परिहार हो सकता है। भगवान का नाम संकीर्तन श्रेष्ठ प्रायश्चित है। इनमें से यह तप्त मुद्रा धारण प्रायश्चित के रूप में भी अवश्य करना है, स्मरण के लिए भी करना है।
अगर इच्छा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, चॉइस है। ऐसा नहीं, करना ही है। इसीलिए मैंने वशिष्ठ स्मृति को पढ़ा। वशिष्ठ स्मृति के वाक्य में आपने सुना होगा क्या कहते हैं, किसी सत्कर्म करने का अधिकार ही नहीं मिलता है। क्यों? दूसरों के घर में रहकर कुछ भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तब जब आप इसको स्वीकारते हैं, यह घर आपका है, मुझे रहने के लिए सिर्फ अवकाश आपने दिया है, इसको अगर हम अंगीकार करते हैं, स्वीकारते हैं, तो कुछ भी करो। जब आप आते हुए घर में आते आते आप कहते हैं यह घर मेरा है, तो क्या बोलता है अंदर रहने वाला यजमान, जाओ बाहर, कुछ भी करने के लिए, रहने के लिए तुम्हें अधिकार नहीं है, मत आओ, प्रवेश निषेध है। क्यों? मेरे घर को तुम्हारा है ऐसे आप बोल रहे हैं, इसलिए मेरे घर में आपके लिए अवकाश नहीं है, प्रवेश निषेध है, जाओ बाहर। इसी तरह इस देह में रहकर, भगवान के इस शरीर में हम रहकर, भगवान के दुनिया में रहकर, यह दुनिया मेरी है, यह देह मेरा है, यह इंद्रिय मेरे हैं, यह सब कुछ मेरा है, ऐसे बोलते हुए अगर हम काम करेंगे, कुछ भी, स्नान, संध्या, पूजा पाठ, दान, धर्म, यात्रा, तो भगवान कहते हैं जाओ बाहर, अधिकार नहीं है मेरे चीजों को चोरी करके। मैं बहुत अच्छा काम करता हूं ऐसे बोल रहे हो, यह नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना है, तो काम करने के लिए अगर हमें अधिकार चाहिए तो पहले इसको समर्पित करना है, भगवान को समर्पित करके भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करके बाद में सत्कर्म करना है। इसलिए सभी सत्कर्मों में, ग्रह कृत्यों में, सामाजिक सेवा में, धार्मिक सत्कर्मों में भी हमें अगर अधिकार चाहिए तो यह अनुसंधान मुख्य है। सर्वं भगवदधीनम्, सर्वं विष्णुमयं जगत्। भगवान विष्णु के अधीन है सभी वस्तु। इस बात को मन में रखकर हमें काम करना है। तो इसके लिए क्या करना है, तो मुद्रा धारण करना है, वह एक उपाय है। किसी एक तत्व को, एक कर्तव्य कर्म को अगर हम भूलते हैं, ऐसा भय है मन में, भीति है, तो क्या करते हैं, उसको दीवार में लिख के, बोर्ड पर लिख के डालते हैं। क्यों? आते वक्त जाते वक्त उसको देख के हमें याद आ जाती है। इसलिए दीवार पर अगर हम बोर्ड में रखेंगे तो उधर ही रहेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा दीवार पर नहीं, देह पर उसका याद दिलाने के लिए कुछ अंकन करो, वही है तप्त मुद्रांकन। तो आते वक्त जाते वक्त घर में देख के नहीं,
सिर्फ हमारे देह को देख के ही हम समझ सकते हैं यह देह भगवान का अधीन है। वह एक उदाहरण है, सिर्फ देह नहीं घर भी। इसीलिए मुद्रांकन सिर्फ देह पर नहीं है। आप सब इधर के भगवत भक्त सज्जन आप आए हैं, मन में रखो सिर्फ देह पर मुद्रांकन नहीं। देह पर तो गोपी चंदन से होता है और गुरुजनों से, तब तो मुद्रा धारण होता है। इसी तरह घर के ऊपर भी मुद्रांकन करना है। शंख और चक्र को उधर तो गोपी चंदन से नहीं, तब तो मुद्रा धारण नहीं, पेंट से रंग से आप शंख और चक्र को अंकित करना है दरवाजा के ऊपर। उसको देखने से यह देह शंख चक्रधारी साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण का है। घर पे और घर में जो पदार्थ बर्तन रहते हैं उन सभी पात्रों के ऊपर, उधर तो पेंट से भी नहीं कर सकते हैं, उधर मशीन से, ड्रिलिंग मशीन रहता है, मशीन से ही शंख और चक्र का अंकन करना है। परंपरा है हमारे मठ में रहने वाले जो पदार्थ हैं उनको आपको देखने से मालूम हो जाता है। शायद सभी पदार्थों के ऊपर शंख और चक्र का चिन्ह रहता है। सुनो मत सिर्फ, करो। घर के ऊपर भी शंख और चक्र से चिन्ह करो। जब हम घर आएंगे आप हमको दिखाना है, सभी पात्रों के ऊपर भी लिखवा दो, कुछ कष्ट नहीं। और सिर्फ यांत्रिक रूप से नहीं, मन में भक्ति चाहिए, मन से करो, सिर्फ तन से नहीं मन से करो। इसलिए तप्त मुद्रा धारण आवश्यक है। सिर्फ वशिष्ठ स्मृति, हारित स्मृति इत्यादि स्मृतियों में नहीं, मूल वेद में इसके बारे में कहा गया है। अतप्त तनूर्न तदामो अश्नुते, अतप्त तनु हो। तप्त मुद्रा धारण अगर नहीं होता है तो किसी सत्कर्म से फल नहीं मिलता है। इसलिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से तप्त मुद्रा धारण करो, गुरु से, और प्रतिनित्य शीतल मुद्रा धारण आप स्वयं गोपी चंदन से करो। और घर, वस्त्र, पात्र इत्यादि सभी वस्तुओं के ऊपर भी, अगर पशु संपत्ति है, घोड़ा, गाय इत्यादि, उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी नामांकन शंख और चक्र का चिन्ह योग्य रीति से लिखना है। और उसको देख के भगवान का स्मरण करना है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री मूल राम भगवान की, श्री दिग्विजय राम भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री विष्णुपद भगवान की, श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य की।